क्या यार इनकी बदतमीजी है, कभी इनकी कभी उनकी। मन तो कर रहा है कैंसिल कर दो। आप सोच भी नहीं सकते कि जस्ट हमारे साथ क्या हुआ। ऐसे टक करके छू के वापिस आ गया। इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये बजे इसने ना बहुत शोर मचाया हुआ है। आज हमारे बजीज को ना ईगल लेके जाने वाला था। जितेंद्र ने देखा है वो, मतलब यहाँ बैठा था, यहाँ पे इसके ऊपर बैठा हुआ था और इतना खतरनाक सा था, छोटा पता नहीं ईगल था कि बाज था, वो पता नहीं क्या था। तो यार मतलब ऐसे है कि ईगल का तो मतलब मैंने पहले भी बोला था इनको कि जब हम ये रखते हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि ईगल का तो नहीं मैंने सोचा था, पर जैसे बिल्ली वगैरह होती है कभी ना तो पंजा भी मार जाना तो बेचारे फिर इनका तो क्या ही होगा। बट ये थैंक गॉड जितेंद्र ने टाइम से देख लिया और इनको हमने फिर उठा के अंदर रखा है। और यार आज ना मैं मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है यूट्यूब के साथ भी, मेरी एक लद्दाख ट्रिप की लास्ट वीडियो रहती थी तो वो वीडियो मैंने 2 बजे तक मतलब मेरी हो गई थी या 1:45 तक, और उसके बाद उसकी HD प्रोसेसिंग हो ही जा रही है। 3 बजे जाके उसकी प्रोसेसिंग ख़त्म हुई और उसके बाद मैंने उसको सीधा पोस्ट कर दिया और उसके बाद वो वीडियो दिख ही नहीं रही है। मेरे पास दिख रही है बट किसी और के चैनल को ना तो कोई नोटिफिकेशन गई ना वो दिख रही है। अब पता नहीं वो यूट्यूब का इशू है क्या है, बट अभी मैंने डाल दिया, आई होप वो चली जाएगी। आज का जो मेन पॉइंट है मेरे लिए वो ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जितेंद्र ने बर्थडे पे मेरे लिए गिफ्ट लिया था, लिया है, और वो एक्सपेक्टेड था 27th को आ जाता, बट इतना बैड एक्सपीरियंस हमारा रहा है ब्लू डार्ट के साथ। और हम स्टिल मतलब वेट कर रहे थे, हमने इतनी कॉल्स करी हैं उनको, उन्होंने बोला था हमें कि फर्स्ट तक डिलीवर हो जाएगा, तो हमें लगा कि चलो हो जाएगा, बट वो फर्स्ट को भी डिलीवर नहीं हुआ और वो अभी तक भी डिलीवर नहीं हुआ। आज 3rd November है और अब मैंने उनको कल कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, सब बीमार पड़े हैं और आप उसको पिक कर लो, और हमारे पास ही पड़ा हुआ है। मतलब वो मुंबई से यहाँ पहुँचने के लिए उसको 3 दिन लगे हैं और विद इन वो मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे आए हुए उसको आज 7 दिन हो गए हैं, तो वो 7 दिन से डिलीवर ही नहीं हो रहा है। तो हमने उनको बोला है कि मैंने उनको बोला कर कि आज फिर आप डिलीवर कर दो, आपके पास पड़ा है, तो कहता नहीं हम नहीं डिलीवर कर सकते, हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, आप खुद पिक कर लो। और जब पहले मैंने उनसे बात करी थी तब उन्होंने कहा था कि आप खुद से पिक नहीं कर सकते हो। सो आज मैं और जितेंद्र अभी वही लेने जा रहे हैं, अभी उनसे कनेक्ट भी नहीं हो पाया कि वो हैं वहाँ पर या नहीं हैं, तो अभी जाते हैं देखते हैं मिलते हैं वो वहाँ पे या नहीं मिलते हैं, और क्या था उसके बीच में वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अपना ब्लू डार्ट के साथ ना ये पहली बारी पाला पड़ा है। एक्चुअली हमने ऑर्डर जो करवाया था जिस वेबसाइट से तो हमारा ट्रस्ट उस पर था कि यार मतलब ज्यादा सिक्योर होगा, बट हमें क्या पता था कि यार ब्लू डार्ट के थ्रू आएगा। अभी तो ये भी नहीं है कि जाएंगे और बस फटाफट से ऐसे मिल जाएगा, इसमें भी हमें डाउट्स हैं कि पता नहीं क्या ही जाके उधर प्रॉब्लम होती है। और तो लेट्स सी, देखते हैं अभी आगे जाके। तो हम कर रहे हैं वेट यहाँ पे कि कोई आता है और अपना पार्सल हाथ में आए। जितेंद्र इज वेरी एक्साइटेड। देख लिया ना ना, हम चलो कल देखेंगे। आप यार ये चंगी सी बड़ा जल्दी हो रहे हैं हाथ में आके भी नहीं, मैं मन कर रहा मैं भाग जाऊं उसको लेके। काम करते हैं इनसे, ले जाते हैं, इनको बोलते हैं 6000 रुपये ले लो, अब कैश ही तो लेना है, कल भी कैश ही लेना करवाते हैं तो ये आप पे भरोसा करेंगे बड़े है ना। अरे तो भरोसा करना ही क्यों, पैसे दे के जाएंगे। अच्छा नहीं वो ये फिर करते होंगे ना ओपन ही, उसी हिसाब से होता होगा। सर एक बार कर लो ट्राई, अदरवाइज हमें तो कुछ आना पड़ेगा। नहीं मैं इसे एड्रेस पे करवा दूंगा ना, कल बोल तो रहा हूँ, नंबर ले जाओ पर मैं भी ट्राई करूंगा। नहीं अभी मतलब आज से ही आ रही प्रॉब्लम या फिर अभी पहले से आ रही है ये। तो अभी थोड़ी देर वेट कर लेते क्या पता सही हो जाए। सेम डे में एक ही अटेम्प्ट होता है ये लो, ये चक्कर है। तो हम आपको कैश दे जाते, आप कल सब कर दो, कल कर देना सबमिट। ऐसे नहीं हो पाएगा, ये दे नहीं सकते पहले ना इसको। मेरा देखते पास देख रहे हैं मेरा देखा। क्या यार इनकी बदतमीजी है, कभी इनकी कभी उनकी। मन तो कर रहा कैंसिल कर दो। आप सोच भी नहीं सकते कि जस्ट हमारे साथ क्या हुआ।
ऐसे टक करके छू के वापिस आ गई। तो यार इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है। अब तो ऐसे लग रहा है कि हमारी किस्मत में ही प्रॉब्लम है कि घर पे तो छोड़ो कि खुद पिक भी नहीं कर पाए और हाथ में पार्सल ऐसे आते आते भी ऐसे देना पड़ा। इससे बुरा और क्या होगा। अब उन्होंने फिर कहा है कि कहते कल सुबह 10 बजे आपको डिलीवर हो जाएगा। वैसे हमें भरोसा नहीं है बट आज कुछ हो ही नहीं सकता था तो इसलिए वापस ही जा रहे हैं। अब कल आते हैं दोबारा क्योंकि लगता तो नहीं है ये करेंगे डिलीवर, तो खुद ही आना पड़ेगा। तो यार मतलब ऐसे होता ना, आपने कुछ ऐसे मंगवाया होता इतनी फीलिंग से तो आपको तो वो फीलिंग तो एक बार के लिए खत्म हो चुकी है। बट कर दिया पूरा। पर अब जो हुआ है ना ये कि हाथ में आके भी तो चला गया तो अब तो ऐसे हो रहा है कि यार क्या है, मन कर रहा है कि कैंसिल कर दे उसको, भी चाहिए नहीं बाहर में जाओ, ऐसा हो गया अब। अरे हम और लेट हो जाएंगे ना ये पंगे ना। चलो तो अपनी फीलिंग्स का तो हो गया कचरा, अब कल करते हैं ट्राई। अब वो ऐसे हो गया कि ठीक है अब जब आएगा देखी जाएगी। वैसे आज हमारा दूसरा दिन है वेयर हाउस पे जाने का और उसने कल बोला था ना कि आप मेरे को कॉल करना 10 बजे तक है, उसके बाद हम आपको डिलीवर कर देंगे। कुछ नहीं करते हैं। पर कॉल तो उन्होंने उठाई बट डिस्पैच तक नहीं हुआ और अभी 3:30 हो रहे हैं शाम के 3:30 और कुछ नहीं आया। तो हमने दोबारा उनको कॉल किया, हमने बोला हम दोबारा पिक करने आ रहे हैं। तो अभी फिर ऐसे हम बस फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि आज मिल जाए। ऑफिस के पास पहुंचते ऐसे धक धक होने लगती है कि यार आज मिल जाए, पता चले बंदा ही गायब देने वाला। तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि जिन्होंने लेना उठाई नहीं है, तो 12 बज रहे हैं। आई लव माई स्कूटर बट वी टेक यू। मैं उसको देख रही थी आज भी हाथ में आता ही नहीं। ये पड़ा कल भी देख के गए थे, आज फिर से देख रहे हैं। बस कुछ इशू ना आ रहे, ये चल रहा है डायग्नोज इसका और ये वेटिंग चल रही है, देखो लोडिंग चल रही है। हम गए थे आज अपना पार्सल लेने के लिए ब्लू डार्ट में और पहले तो यार फिर हमें लगा था कि शायद नहीं मिलेगा क्योंकि उनका सर्वर हो रखा था डाउन आधे घंटे से। बट हमने वेट किया वहां पे 15-20 मिनट वेट किया होगा और फिर सब उनका सही चल गया और उसके बाद हमें अपना पार्सल दिया गया। सो फिर हमें ना यार पार्सल की मतलब जो गिफ्ट आया था उसकी खुशी नहीं हो रही थी मेरे को खुशी हो रही थी कि यार फाइनली पार्सल हाथ लग गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। खज्जल तो बहुत किया है हमें ब्लू डार्ट ने, बहुत 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 बैड एक्सपीरियंस। और वहाँ पे इतने लोग आते हैं ना डेली के कि बस वो भी तंग हो जाते हैं। अब आई डोंट नो किसका इशू है बट जिसको भुगतना पड़ता है फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही है ना यार। तो मेरे लिए तो वर्स्ट एक्सपीरियंस बट और कोई ऑप्शन नहीं था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो गिफ्ट क्या है जिसके लिए हमने इतने चक्कर लगाए और मेरे को अपना गिफ्ट लेने के लिए खुद जाना पड़ा वहाँ पे कि भाई अब दे दो। दिखाती हूँ 1, 2 and 3। अब मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा क्योंकि बीच में मैंने फोन दिखाया था जो हमने एक्सचेंज किया था। अपने पास एक पुराना फोन पड़ा था iPhone 7 तो हमने वो एक्सचेंज में दे दी क्योंकि वैसे भी किसी काम नहीं आ रहा था। और ये हमने मंगवाया था, इसको मंगवाए हुए पूरा 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ऊपर होगा नीचे नहीं। हमने ये ऑर्डर किया था अक्टूबर बिल्कुल स्टार्टिंग में और ये पूरा 1 महीने के बाद मिला है। और हम चाह रहे थे उस टाइम हम लद्दाख जा रहे थे तो हम चाहते थे कि यार लद्दाख ट्रिप पे जाने से पहले हमें मिल जाए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला है। उसके बाद तो ट्रिप गया, दिवाली गई, फिर जाके ये गिफ्ट मिला है। तो iPhone 14 Pro, वैसे मैंने इसको सेटअप कर लिया है, मैंने दिखाने के लिए इसको दोबारा से इसमें डाल दिया था। तो ये रहा फोन जिसका हमें इतनी बेसब्री से इंतजार था और फाइनली अब जाके हाथ में लगा है। मतलब ऐसे है कि इतनी देर में तो ना बंदे की फीलिंग्स खत्म हो जाए बट नहीं, जब हाथ लगा है ना तो अच्छा ही लगा है। तो सारी चीजें हमने सेटअप कर दी हैं और मेरे पास जो पुराना फोन था, पुराना नहीं है,
आईफोन 13 था वो जितेंद्र ने ले लिया है क्योंकि जितेंद्र के फ़ोन में भी इशू था, तो वो कहती कि ये तू रख ले, और क्योंकि ये तो मेरे लिए था ना, ये बर्थडे गिफ्ट था, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ और वो वाला फ़ोन जितेंद्र यूज़ कर रहे हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। ऐसे थोड़ी ना मिक्स्ड सी फीलिंग हो गई है कि अच्छा भी लग रहा है क्योंकि गिफ्ट आ गया हाथ में, फ़ोन आ गया हाथ में, और जो ब्लू डार्ट ने खजल किया है ना, बस वो ऐसे होच-पोच सा हो गया। बट एंड में हमें ये मिल गया। एक बार तो हमने सोच लिया था कि यार इसको वापस कर देते हैं, बट दिल ऐसे मान नहीं रहा था। हमने सोचा था कि यार अगर ये आज नहीं ना मिला तो फिर तो हमें ये चाहिए ही नहीं है। बट ठीक है, हमने ना वैसे हमें नहीं पता था, वैसे ब्लू डार्ट से ही मोस्टली डिलीवर होते हैं, आई थिंक सिक्योर भी है और थोड़ा फास्ट डिलीवरी होती है अगर वो कहीं बाहर से ऐसे आता है। तो हमने तो एप्पल पे ट्रस्ट करके किया था कि हमने स्टोर पे भी ट्राई किया था, बट स्टोर पे तो वो भी ज़्यादा टाइम बता रहे, तो हमने सोचा कि यार टाइम सेम ही लगना है तो हम एप्पल से ही ऑर्डर कर देते हैं। तो हमने एप्पल पे ट्रस्ट करके उनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये ब्लू डार्ट से आया और हमें इतना टाइम लग गया। एनीवेज जो भी था, एंड में हमें अपनी चीज़ मिल गई है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।